दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर वॉच कर रहे हो, और इसी मॉडल का डिस्कस करने वाले हैं जिसका साइज है 30x42। 30x42 में हाउस प्लान मैंने किया है दोस्तों, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मैंने डिज़ाइन किया है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर बेहतरीन सा मैंने फ्रंट एलिवेशन दिया है। साथ साथ फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो स्टेयर्स के लिए रखने के लिए घुमटी और आपको दो बेडरूम बना के रखे हैं मैंने। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं पूरा। बहुत ही लो बजट और बेहतरीन सा घर है। अगर आप ऐसा फ्रंट एलिवेशन बनवाते हैं तो आपके घर को एक नया लुक मिलता है और बेहतरीन सा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। इस मॉडल को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक इस मॉडल प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। मैंने दोस्तों एक पेड सर्विस भी स्टार्ट की है। उस पेड सर्विस में आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपसे मैं बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके हाउस क्रिएट करता हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है 50% एडवांस और 50% बाद में। तो आज का जो मॉडल है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए मॉडल का। ये देखिएगा, इसकी रेलिंग की अगर हम बात करें तो ये रेलिंग है, ये सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पज़ से ही, आप जो राउंड कलर की देख रहे हैं सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पज़ से। और ये आपका ये जो सिलेंडर टाइप का है, जो राउंड कलर का देखिए रेलिंग है, ये भी आपका स्टील का है। अगर आप लगवाना चाहते हैं ये मटेरियल का यूज हुआ है। तो ये पूरा फ्रंट एलिवेशन है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जो आपको एक यूनिक लुक देता है फ्रंट से। ये देखिएगा आपका ये मेन डोर है, इसका भी ये एक डोर है, ये विंडो है, ये विंडो है। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से क्रिएट किया है स्टेयर्स के माध्यम से। ये दोस्तों देखिए थ्री साइड क्लोज्ड है, सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है। इधर मैंने एक पेड़ लगा रखा है। अब जैसे भी स्टेयर से ऊपर चढ़ेंगे मेन डोर मिलता है, मेन डोर से आप एंट्री करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक हॉल मिल जाता है, पार्किंग एरिया। उसी पार्किंग एरिया से मैंने स्टेयर्स को आपको ऊपर चढ़ने के लिए बताया, आप ऊपर से चढ़ जाएंगे। इसके बाद एक बड़ा सा आपका डाइनिंग हॉल यहाँ पर मिलता है, और इसके बाद एक गेस्ट रूम मिल जाता है फ्रंट में। देखिएगा गेस्ट रूम, इस गेस्ट रूम में मैंने फ्रंट से डोर और विंडो दिया है, साथ साथ साइड से एक विंडो दिया, और हॉल से भी जो डाइनिंग एरिया है वहाँ से भी आपको एक डोर मिलता है, इससे आप गेस्ट रूम में आ जाए। इसका भी यहाँ से आप आते हैं ये आपको जगह मिलती है। ये आपका फ्रंट में किचन है जिससे मैंने एक डोर दिया, वेंटिलेशन आपका प्रॉपर होता रहे। और यहाँ से मैंने एक डोर दिया है, ये देखिएगा डोर है जो आप यूज कर पाएंगे। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन किचन भी यूज कर सकते हैं, ये वाला आप बेडरूम और वॉल हटा दें तो ये पूरा आपका एरिया ओपन किचन में यूज हो जाएगा और यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद आप फिर जैसे आप डाइनिंग एरिया में आते हैं, इसके बाद दो बेडरूम आपको कॉर्नर पर बड़े से बड़े मिल जाते हैं, और इसके बाद इस तरफ आपको एक छोटा सा स्टडी रूम मिल जाता है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर चार बेडरूम मिलते हैं, गेस्ट रूम, दो बेडरूम और एक स्टडी रूम, और उसी के जस्ट है फ्रंट में लेट एंड बाथ कम्बाइंड बड़ा सा मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आपके अगर घर की बात करें ओवरऑल 32x42 फीट में एक क्रिएट होकर आ जाता है, इसमें चार बेडरूम, किचन, लेट एंड बाथ, स्टेयर्स वगैरह मिल जाती हैं। अगर आप कार पार्किंग भी करना चाहते हैं तो इस एरिया में कार पार्किंग भी आप कर सकते हैं, मैंने इस तरीके का ही इसे डिजाइन किया है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, आप स्टेयर्स के माध्यम जैसे आएंगे ये स्टेयर्स को मैंने ढकने के लिए घुमटी बनाया है। पीछे दोनों जो बेडरूम थे वो क्रिएट कर दिए हैं। और अब हम बात करें इस रेलिंग की, जो ये आपको स्टेज पर रेलिंग देखने को मिल जाती है जो आपके घर को एक नया लुक और बेहतरीन सा लुक देती है। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप इसके कॉस्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप प्ले स्टोर पर जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कितना मटेरियल लगेगा वो एप्लीकेशन सब कुछ बताता है, कितना कॉस्ट लगेगा घर को बनवाने में सब कुछ वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मॉडल के विषय में आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर बताएं। कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।